आज 51 लीडर्स फ्रॉम द 34 पार्टीज अटेंड किए हुए हैं और सरकार की तरफ से ऐसे तो बहुत पार्टीज बहुत डिमांड किया है, लेकिन सरकार की तरफ से हमने जो एजेंडा है हमने स्पष्ट रूप से कहा है। ऑलरेडी 4 बिल तो लिस्टेड है, चार बिल तो लिस्टेड है और उसके साथ ही साथ जो ऑलरेडी लिस्टेड है बीएससी में अप्रूवल का पेंडिंग है वो भी 2-3 बिल है। दो तीन और बिल जो ऑलरेडी लिस्टेड है। टोटली देर आर अराउंड 8 बिल्स, टोटली 8 बिल्स, 8 बिल्स एंड No, that is, we will give it to you, we will mail it to you, but at present, there is a repealing and the amendment bill 2023, the press registration and periodicals bill 2023, the advocates amendment bill 2023, the post office bill 2023 and election. सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर बिल एक है और उसके साथ ही साथ 3 जो बिल है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब चेंज ऑफ ऑर्डर्स का 3 बिल है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब चेंज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर्स का 3 बिल है, एक सीनियर सिटीजन्स जो सीनियर सिटीजन वेलफेयर का 1 बिल है। टोटल देर आर अराउंड 8 बिल्स। क्लैरिफिकेशन जो कुछ भी उनका डिमांड था, रिक्वेस्ट था, हमने सब कल ऑल पार्टी मीटिंग में क्लियर कर दिया है। आप और नया लाएंगे, ला सकते हैं, तो इमेजिनेशन के लिए मैं कैसे उत्तर दूं? कोई भी सरकार और कोई भी व्यक्ति, आप इमेजिन करते ही जाओ, हम उत्तर देते रहे कैसे होगा? तो हमने तो हमारा जो एजेंडा है हमने बताया है और आगे आएगा क्या, आगे का और परसों क्या आएगा और परसों क्या आएगा, ये तो हम कैसे बोल सकते हैं? तो आज के दिन में हमारा एजेंडा जो है हमने क्लियर कर दिया है। आज तो मैं इतना ही कल भी निवेदन किया हूं और आपके माध्यम से आज भी निवेदन करता हूं। आज जो 75 इयर्स का संविधान सभा से लेके आज तक हमारा अनुभव, सीख, ये सब के बारे में आज चर्चा है, वो चर्चा में भाग ले। 75 इयर्स कोई भी एक देश के जर्नी में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए आगे कैसे हमको जाना है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है और ऐलान किया है कि 2047 तक भारत को एक डेवलप्ड नेशन करके हम लेके जाना है। ये सब देखते हुए हम सबको आगे कैसे जाना है इसके बारे में चर्चा करना चाहिए, ये सरकार का निवेदन है। वो तो सब स्पीकर साहब से यहाँ डिसीजन होगा, तो पीएम साहब बोलेंगे, जब बोलेंगे।